स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुलायनी प्रावस्था पार्ट फिफ्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं कुलायनी विलयनों के गुण, और कुलायनी विलयनों के गुण में अभी तक हमने आपको बताया है कुलायनी कणों की साइज, कुलायनी कणों की विषमांगी प्रकृति, कुलायनी विलयनों का अणुसंख्य गुणधर्म, ब्राउनी गति, टिंडल प्रभाव, पेप्टीकरण, वैद्युत कण संचलन, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी का अगला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि कुलायनी विलयनों में कौन से कुलायनी विलयन प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं, अर्थात कौन से कुलायनी विलयन ऐसे होते हैं जो दूसरे कुलायनी विलयनों को स्कंदन से बचाते हैं। इस क्रिया को ही हम कहते हैं प्रोटेक्शन या रक्षण कहते हैं। रक्षण क्या होता है, रक्षण की यूनिट क्या होती है, इन सभी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कोलाइडल स्टेट पार्ट और पढ़ना है हम लोगों को प्रोटेक्शन या रक्षण, इसके बारे में स्टडी करना है। तो बच्चों, हमको ये पता है कि जितने द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं सभी द्रव विरोधी कोलाइड की विशेषता होती है कि ये आवेशित कण होते हैं, इन पर कोई ना कोई आवेश होता है। जब इन पर आवेश होता है तो आवेश दो ही तरह का हो सकता है, या तो इन पर पॉजिटिव आवेश होगा या इन पर नेगेटिव आवेश होगा। अगर इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर जैसे ही हम कोई वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे और जिसमें धनायन की संयोजकता ज़्यादा होगी, जैसे BaCl2 Na3 PO4 दे लेते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो PO4 आयन होता है इस पर ट्रिपल संयोजकता माइनस की होती है। कोलाइडी कणों पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। वैद्युत अपघट पर मैक्सिमम संयोजकता है नेगेटिव। जैसे ही इन दोनों का आपस के हम मिलाते हैं तुरंत इनकी एक विशेषता होती है कि इनका हो जाता है स्कंदन। ठीक इसी तरह से अगर कोई निगेटिव कोलाइड है और इसमें हमने वैद्युत अपघट मिला दिया, जब इसमें हमने वैद्युत अपघट मिलाया और इसमें धनायन की संयोजकता ज़्यादा हो, जैसे MgCl2 हमने ले लिया, अब यहाँ पर Mg की संयोजकता जो है वो ++ की है, दो संयोजकता का है, कोलाइडी विलयन निगेटिव है, ऋणावेशित है और धनायन अधिकतम संयोजकता का। जैसे ही ये आपस में संपर्क में आते हैं इनका भी स्कंदन हो जाता है। ये कंडीशन किसके लिए लागू होती है, द्रव विरोधी कोलाइड के लिए। लेकिन अगर हम यहीं पर देखते हैं जितने द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड पर कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये अनावेशित होते हैं। और अनावेशित होने के कारण जब इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो वैद्युत अपघट्य मिलाने पर इनका स्कंदन नहीं होता। तो बच्चों, एक चीज़ क्लियर हो गई हम लोगों के बीच में कि जितने द्रव विरोधी कोलाइड होते हैं ये आवेशित होते हैं, या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं।
इसमें वैद्युत अपघट पदार्थ मिलाने पर इनका स्कंदन या उक्षेपण हो जाता है। लेकिन जितने द्रव स्थायी कोलाइड होते हैं ये अनावेशित होते हैं या आवेश रहित होते हैं या इन पर बहुत सूक्ष्म आवेश होता है, इसलिए जब इनमें कोई वैद्युत अपघट पदार्थ मिलाया जाता है तो इनका स्कंदन नहीं होता है। अब कंडीशन क्या क्रिएट होती है कि अगर हम द्रव विरोधी कोलाइड ले लें और इस द्रव विरोधी कोलाइड में हम थोड़ी सी मात्रा में मिला देते हैं द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव विरोधी कोलाइड में अल्प मात्रा में हम क्या मिला देते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड मिलाते हैं, और फिर इसके बाद में जब हम इसमें वैद्युत अपघट मिलाते हैं तो वैद्युत अपघट की उपस्थिति में भी इस विलयन का स्कंदन नहीं होता है, इस विलयन का भी स्कंदन नहीं होता है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि द्रव विरोधी कोलाइड स्कंदित होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड स्कंदित नहीं होते हैं, लेकिन जब दोनों का मिश्रण लिया जाता है और फिर वैद्युत अपघट मिलाते हैं तो भी इसका स्कंदन नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा करता है, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को हम एक नाम से और जानते हैं और इसको हम कहते हैं रक्षी कोलाइड। तो द्रव स्नेही कोलाइड का एक नाम और कौन सा होता है, रक्षी कोलाइड, क्योंकि ये द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से बचाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द्रव स्नेही कोलाइड द्वारा द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से रक्षा करने की क्रिया या बचाने की क्रिया को ही हम रक्षण या प्रोटेक्शन कहते हैं और द्रव स्नेही कोलाइड को ही हम रक्षी कोलाइड के नाम से जानते हैं। तो इतनी बात बेटा बच्चों आपको क्लियर हो गई कि रक्षी कोलाइड क्या होते हैं और कैसे वो द्रव विरोधी कोलाइड को रक्षण से बचाते हैं। अब इसके बाद इसी में हम लोग देखते हैं अगली कंडीशन जिसको हम कहते हैं गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर या यही है स्वर्ण संख्या। तो जितने रक्षी कोलाइड होते हैं या द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं इनकी जो रक्षण शक्ति होती है प्रोटेक्टिव पावर होती है उसकी यूनिट को ही हम कहते हैं स्वर्ण संख्या। अब अगर स्वर्ण संख्या को हमको देखना हो तो हम क्या करेंगे कि हमने पढ़ा है कि अगर द्रव विरोधी कोलाइड है तो द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन होता है, अगर द्रव स्नेही कोलाइड है तो द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन नहीं होता है, द्रव विरोधी कोलाइड का स्कंदन होता है और द्रव स्नेही कोलाइड का स्कंदन नहीं होता है। यहीं पर हम ले लेते हैं द्रव विरोधी कोलाइड, और इसके रूप में हमने ले लिया 10 ml मानक गोल्ड सॉल्ट, द्रव विरोधी कोलाइड के रूप में हमने ले लिया 10 ml मानक गोल्ड सॉल्ट और इसमें हम कुछ मिलीग्राम मात्रा मिला देते हैं द्रव स्नेही कोलाइड की, कुछ मिलीग्राम मात्रा हम मिला देते हैं किसकी, द्रव स्नेही कोलाइड की, क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड को ही हम रक्षी कोलाइड के नाम से भी जानते हैं। द्रव स्नेही कोलाइड ही क्या है, रक्षी कोलाइड होता है। और फिर इसमें हम मिलाते हैं 10% NaCl का 1 ml, 10% NaCl का 1 ml और यह है वैद्युत अपघट्य, यह है वैद्युत अपघट्य। इसका परिणाम होता है कि इस स्थिति में
विलयन का स्कंदन नहीं होता है। तो यहाँ से हम परिभाषित कर सकते हैं गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या को कि रक्षी कोलाइड का मिलीग्राम में वह न्यूनतम भार, रक्षी कोलाइड का मिलीग्राम में वह न्यूनतम भार जो 10 ml मानक गोल्ड साल में 10% NaCl का 1 ml मिलाने पर प्रभावी स्कंदन को रोक देता है स्वर्ण संख्या कहलाती है। क्या परिभाषा होगी स्वर्ण संख्या की? रक्षी कोलाइड का मिलीग्राम में वह न्यूनतम भार जो 10 ml मानक गोल्ड साल में 10% NaCl का 1 ml मिलाने पर प्रभावी स्कंदन को रोक देता है उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। किसी रक्षी कोलाइड की मात्रा जितनी कम होती है उसकी रक्षण शक्ति का मान उतना ही अधिक होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ रक्षी कोलाइड हम लोग देखते हैं कि जिलेटिन भी एक रक्षी कोलाइड है और जिलेटिन की स्वर्ण संख्या का मान होता है 0.005 से 0.01 मिलीग्राम। अगर यहाँ पर हम स्टार्च ले लेते हैं, स्टार्च की स्वर्ण संख्या का मान होता है 25 मिलीग्राम। इसी तरह से हीमोग्लोबिन ले लेते हैं, हीमोग्लोबिन की स्वर्ण संख्या का मान होता है 0.1 मिलीग्राम। अब तीन रक्षी कोलाइड आपको दिए गए, अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड कौन सा होगा तो हम ये देखते हैं कि किस पदार्थ की स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम है। इसका मान सबसे कम है, इसका मान उससे ज़्यादा है और स्टार्च का मान सबसे ज़्यादा है। तो इन सभी में जिलेटिन सबसे अच्छा रक्षी कोलाइड होगा क्योंकि इसकी स्वर्ण संख्या का मान सबसे कम है। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों ने रक्षण क्या है, रक्षी कोलाइड क्या होते हैं और रक्षण शक्ति को स्वर्ण संख्या में कैसे मापा जाता है इन सभी के बारे में हमने डिटेल से स्टडी किया है और आप लोग इसे अच्छी तरह से तैयार भी करेंगे। धन्यवाद।